हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंडित युगवीर जैन। हमारे आज के इस वीडियो में मैं आपको रत्नों के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देने वाला हूं। आप सबने कोई ना कोई रत्न तो पहना होगा, लेकिन आपको उसके फ़ायदे जानने के लिए ज्योतिष ने आपको उसके जनरली फ़ायदे भी बताए होंगे, लेकिन आप खुद भी कुछ फ़ायदे जान सकते हो। पहले आप ये समझो आपने किस ग्रह का रत्न पहना है और वो ग्रह के क्या क्या काम हैं और क्या क्या फ़ायदे हैं। जब आप ये समझ जाओगे तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आएगी, क्योंकि आपको खुद को नहीं पता है आप जो रत्न पहन रहे हो किस किस डिपार्टमेंट में लाइफ में आपको हेल्प करते हैं। रत्न हमारी ज़रूर हेल्प करते हैं, क्योंकि एक एनर्जी साइंस है, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। रत्न हजारों साल से ज़मीन में दफन होते हैं, एक ऊर्जा लिए हुए होते हैं, जैसे कि एक पवित्र जगह, पवित्र मंदिर, पवित्र चीज़ें एक पॉजिटिव एनर्जी लिए हुए होती है, तो वो ऊर्जा उस ग्रह की रश्मियों को बढ़ाती है, क्योंकि हर रत्न उन्हीं उनके जो ग्रहों का जो कलर होता है उसी कलर के होते हैं। आप देखिए, तो ये पहले तो हम इसमें देखते हैं कि एक एक रत्न हम सूर्य से लेके केतु तक, नव मेन जो ग्रह है, हम उनके रत्नों की बात करेंगे यहाँ पर। चलिए हम सबसे पहले सूर्य देव के रत्न रूबी की बात करते हैं। रूबी जो होता है क्या क्या फ़ायदे करेगा, आपको क्या लगता है? अपने आपके ज्योतिषी ने आपने पहना हुआ है, आप अगर रूबी पहन रहे हो, जिसे हिंदी में माणिक भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसे रूबी कहते हैं, अगर आपने इसे पहना है तो इसके फ़ायदे जानने के लिए पहले सूर्यदेव के क्या क्या काम है वो समझो। सूर्यदेव पिता के कारक हैं, रूबी पहनने से आपको पिता से फ़ायदा होगा। सूर्यदेव आत्मा के कारक हैं, हमारा आत्मबल मजबूत बनता है। हज़ारों लोग पहनते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ पहनते हैं, कुछ तो इनमें शक्ति है, नहीं तो वो लोग अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, उनके पास पैसा भी है, उनके पास नेम भी है, फेम भी है, वो कोई पागल लोग नहीं है। कैसे कोई रास्ते चलते हुए किसी ने बोल दिया और उन्होंने कोई चीज़ पहन ली, ठीक है? तो ये साइंटिफिक चीज़ें हज़ारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है। कोई अगर इसको अगर खंडन करता है या इसको नहीं मानता है तो वो उनका अपना ओपिनियन होगा, क्योंकि हज़ारों साल पहले हमारे जो जिन विद्वान ऋषि मुनियों ने ज्योतिष बनाया, उन्हीं ऋषि मुनियों ने रत्नों के बारे में हमें बताया। तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि डॉक्टर की एक बात को हम बोले कि डॉक्टर का ये बात सही है लेकिन वो जो दवाई बता रहा है वो गलत है। और ये आज का नहीं है, हज़ारों साल पहले का साइंस है, नॉलेज है, इसे कभी बदलना नहीं पड़ा। आजकल लोगों की जो कुछ भी नया नॉलेज आता है उसे हर साल चेंज करते हैं, अपडेट करते हैं, हज़ारों सालों से अपने आप में सत्य है। तो देखिए, सूर्य की जब बात निकली तो आत्मा का कारक है, आत्माबल बढ़ाएगा। पिता का कारक है, पिता के सुख में बढ़ोतरी करेगा। ये आरोग्य का कारक है सूर्य, तो आपकी हेल्थ में फ़ायदा होता है, जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम होती है वो हमें उसमें फ़ायदा मिलता है। यहाँ तक कि बॉम्बे के मैंने कुछ ऐसे भी, मेरे पास एक बुक है जिसमें एक कुछ जेम थेरेपी वाले किसी का मेरे पास आया था, तो उनको हार्ट बहुत कम काम कर रहा था, तो उनको छाती में माणिक पहनाया गया, तो उनका हार्ट वर्किंग भी बढ़ा, उनका हार्ट का वर्किंग भी बढ़ा, और उनका कुछ 3-4 बार अटैक आया हुआ था वो, और पहले का रिपोर्ट और बाद का रिपोर्ट, मशीन तो गलत नहीं बोलेगी। तो मेरे पास उसके पहले के बाद में की रिपोर्ट वाली वो बुक भी मेरे पास सालों पहले से, मैं उसको देख चुका हूँ। तो इस तरीके से आप देखिए कि रूबी हार्ट के लिए भी हेल्प करता है, हड्डियों की बीमारी है समझिए आपको, रूबी हेल्प करेगा। आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, रूबी हेल्प करेगा। आपको आँख की तकलीफ है तो रूबी, जो सूर्यदेव का जो रत्न रूबी है, आपको हेल्प करेगा। सफलता नहीं मिलती है, स्ट्रगल होता है, आपको रूबी हेल्प करेगा, क्योंकि सूर्यदेव जो है सफलता के कारक है। सूर्यदेव गवर्नमेंट जॉब के कारक है, हाईएस्ट सवालों में से एक सवाल होता है गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब। हाईएस्ट जो सवाल होते हैं टॉप के, लव मैरिज, गवर्नमेंट जॉब, पैसा, नौकरी, धंधा, मेन सवाल यही होते हैं। तो जिस तरीके से गवर्नमेंट जॉब की बात निकलती है उसके मालिक है सूर्यदेव, तो रूबी पहनने से गवर्नमेंट जॉब में भी आपको फ़ायदा मिलता है। तो देखिए, सूर्य के कितने सारी चीज़ें हमने बताई। तो अब देखिए, जो पॉलिटिकली लोग जो एक्टिव है, जो किसी भी संस्थाओं से, जो लोगों को पॉलिटिक्स में रुचि होती है, नाम सूर्यदेव नाम देते हैं, नेम, फेम, प्रसिद्धि, दूर दूर तक किसी का नाम होता है, पूरी दुनिया किसी को पहचानती है, वो जब जो फेमस बनना चाहता है वो सूर्यदेव ही देते हैं। लेकिन एक बात समझो, खाली ग्रहों के फ़ायदा देखकर ऐसे नहीं पहना जाता है, आपकी कुंडली से जो रत्न सूटेबल होते हैं वो ही पहने जाते हैं। खाली मैंने सूर्यदेव के इतने अच्छे अच्छे फ़ायदे बता दिए तो आपको लगे कि चलो सूर्यदेव का रत्न मैं भी पहन लेता हूँ, ये सब चीज़ें तो मुझे भी चाहिए, अरे मुझे भी फेम चाहिए, अरे मुझे भी पिताजी से थोड़ा अनबन हो रहा है, मैं भी पहन लेता हूँ। नहीं पहनना है, अपनी कुंडली दिखाओ, अगर उसमें रूबी आता है तभी आपको पहनना है, तभी आपको ये सब चीज़ों में वो फ़ायदा करेगा, नहीं तो आपको फ़ायदे के जगह नुकसान भी हो सकता है अगर आप इसमें बिना दिखाए अगर आप पहनते हो। चलिए हम बात करते हैं अगले रत्न की तरफ, बढ़ते हैं, वो है चंद्र का रत्न मोती। मोती की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले एक आदमी का एक कॉमन साइकोलॉजी है, कोई भी बोल देगा मोती पहना है क्या, गुस्सा ज़्यादा आता है क्या तेरे को, मोती क्यों पहना है तूने, हमें कोई भी अगर देखता है जनरली तो हमको ये चीज़ बोलेगा। एक सर्वसामान्य मत है कि मोती पहनने से गुस्सा ठंडा होता है, जिसको ज्योतिष का जो भी पता नहीं है वो भी इतना जानता है कि मोती पहनने से गुस्सा ठंडा होता है, ये बात सही है। लेकिन मोती के दूसरे भी कई सारे फायदे होते हैं, ठीक है? गुस्सा तो वो कम करता ही है, लेकिन चंद्रमा फ्लूइडिटी का कारक होता है,
भले कुछ लोगों के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है लेकिन हाथ में कैश इन हैंड फ्लूइडिटी नहीं है। फ्लूइडिटी का कारक चंद्र है, ठीक है? तो चंद्र बलवान होगा तो कैश की फ्लूइडिटी आपके पास आएगी, फ्लो होगा, रोटेशन चलेगा, कहीं ना कहीं से पैसा आता रहेगा। भले आप बचत कम ज़्यादा करो वो सेकेंडरी फैक्टर है, लेकिन लाइफ चलती रहनी चाहिए। माता का कारक है, माता का सुख में बढ़ोतरी, माता के साथ कुछ मतभेद हो, माता संबंधी कुछ चिंताएँ हो, उसमें हमें हेल्प मिलती है, डिवाइन हेल्प मिलती है ऊर्जा के कारण, ठीक है? सिंपली अब अगर हम इसके दूसरे फायदे देखें, चंद्रमा स्त्री का भी कारक होता है, मन की शांति का भी कारक होता है, मन के सुख का भी कारक होता है, डिप्रेशन से बचाता है। आजकल की लाइफ में चाहे वो करोड़पति हो या कोई गरीब हो, एक छोटी नौकरी वाला हो या बड़ी बिलियनर कंपनी का मालिक हो, सबको स्ट्रेस बहुत होता है। आजकल की लाइफस्टाइल ही कुछ ऐसी है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। मोती पहनने से आपका स्ट्रेस कम होता है, स्ट्रेस से गंभीर बीमारियाँ होती है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। लोगों को लगता है ये एक आम बात है, स्ट्रेस होना सबको होता है, लेकिन यही चीज़ें धीरे धीरे आपकी बॉडी में गंभीर बीमारियों को पैदा करती है। तो अगर स्ट्रेस को कंट्रोल कर लेगी बॉडी तो आप उन बीमारियों से भी बच जाओगे। यानी एक बहुत बड़ा जो ऐसा फ़ायदा है जो हमें दिखेगा ही नहीं। तो ये चंद्रमा का फ़ायदा है। चंद्रमा माता का कारक है, मैंने कहा चंद्रमा विदेश यात्रा का कारक है। आपको जो विदेश यात्रा के जो योग है, जो एक हाईएस्ट सवाल में ये भी एक सवाल होता है विदेश यात्रा के योग, तो चंद्रमा विदेश यात्रा का कारक होता है, ठीक है? नवम भाव बारवा भाव जिस तरह कुंडली में देखा जाता है विदेश यात्रा के लिए, उसी तरह चंद्रमा विदेश यात्रा का कारक है। आपने रत्न पहने हैं पर क्या आप इनके फ़ायदे जानते हैं? तो जो लोगों ने ऐसी कोई पढ़ाई की है, जो लोग ऐसा कोई जॉब करते हैं, तो उन लोगों को मोती पहनने से अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जनरली किसी ने भी मोती पहन लिया तो वो विदेश चला जाएगा। जो लोग उसके लिए प्लान कर रहे हैं, जो लोग उसमें पुशअप चाहते हैं, वो लोग मोती पहनेंगे तो उनको फ़ायदा होगा। लेकिन अगेन रिपीट करता हूँ, जैसे सूर्य के टाइम कहा था, कोई भी इंसान ये फ़ायदे सुन के रत्न नहीं पहन सकता है, उनको कुंडली देख कर ही रत्न पहनना चाहिए। मैंने कुंडली खुद देख के रत्न पहनने के पीछे वीडियो बनाए हैं, आप लोग देख के आप लोग भी खुद अपनी कुंडली देखना सीख सकते हो कि कौन सा रत्न पहनना है कौन सा नहीं पहनना है। चंद्रमा के हमने कई सारे फ़ायदे बताए, ठीक है? अब हम मंगल के फ़ायदे बताते हैं। मूंगा, मूंगा आपने पहना है पर फ़ायदे जानते हो? मूंगा साहस का रत्न है, मूंगा हिम्मत देता है। सिर्फ मंगलिक है मूंगा पहना दिया, बहुत लोगों को साइकोलॉजिकली ये होता है, ऐसा नहीं होता है कि खाली मंगलिक है तो मूंगा पहना दिया। मंगल कमज़ोर होता है उसके लिए मूंगा पहनाते हैं, मंगलिक होता है तो मूंगा नहीं पहनते हैं। ये ठीक है, आजकल एक बहुत ही बड़ा भ्रम फैला हुआ है और लोग आधे अधूरे नॉलेज में रत्न बेचने के चक्कर में मंगली के मूंगा पहना दिया, और आदमी भी पैसा बचाने के चक्कर में जिनको आधा अधूरा नॉलेज उन लोगों से सलाह लेके पहन लेता है। मूंगा रत्न पहनने से आपको बहुत फ़ायदा होता है। मूंगा से क्या होता है, साहस बढ़ता है। आपकी ज़िंदगी में साहस नहीं होगा तो आप कहीं सफल नहीं होगे। बात करने का कॉन्फिडेंस, बड़े लोगों के आगे रिप्रेजेंट करने का कॉन्फिडेंस, कुछ अगर आपके पास आइडियाज़ है बिजनेस के पर उसको इम्प्लांट करने का कॉन्फिडेंस, उसको उपयोग में तो लाना होगा ना। दिमाग में बड़े बड़े ख्याली पुलाव में बड़े बड़े आपके आइडियाज़ चल रहे हैं, पर जब तक उसके लिए आप, जब आपके दिमाग में चल रहा है रोटी बनानी है सब्ज़ी बनानी है, किचन में जाके जब तक आप आटा नहीं उसनोगे, रोटी नहीं बनाओगे, गैस चालू नहीं करोगे, सब्ज़ी नहीं पकाओगे, दिमाग में रखोगे कि हाँ रोटी सब्ज़ी बनानी है खानी है, तो कभी आपको रोटी सब्ज़ी मिलेगी नहीं। जब तक आप उसको कार्य में नहीं लाओगे, मेहनत इम्प्लांट नहीं करोगे, उस काम को करोगे नहीं, तो करने का पावर देता है मंगल। शत्रुओं से रक्षा करता है मंगल, कोर्ट कचहरी में फ़ायदा कराता है मंगल। अगर सपोर्टिव हो, कमज़ोर हो, ऑपरेशन एक्सीडेंट से बचाता है मंगल। लेकिन कोई भी इंसान मंगल नहीं पहन सकता, आपको अपनी कुंडली दिखा कर ही मंगल आपको पहनना है। मंगल का रत्न मूंगा आपको अपनी कुंडली दिखा कर ही पहनना है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है? तो इस तरीके से आपको, जो लोग पुलिस विभाग में हैं, जो लोग मिलिट्री विभाग में हैं, जो लोग खेती बाड़ी में हैं, जो लोग ज़मीन का काम करते हैं, जो हमारे किसान हैं, जो खेती बाड़ी का काम करता है, जो रियल इस्टेट एजेंट है, जो ज़मीन का लेबेज करता है, जो बड़ा बिल्डर है, जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाता है, ज़मीन खरीद कर लोगों को बेचता है, ये सब लोगों को मूंगा रत्न बहुत फ़ायदा देता है, बहुत ही फ़ायदा देता है। लेकिन कुंडली दिखाए बिना नहीं पहनना है। आप बिल्डर हो, चलो मूंगा पहन लो, नहीं पहनना है, ठीक है? यहाँ पे हम लोग खाली बेचने के लिए बात नहीं कर रहे, सेल्समैनशिप के लिए, चलो बिल्डर है तो मंगल पहन लेना, ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी कुंडली दिखानी है, बिल्डर के साथ साथ आपकी कुंडली तो सपोर्ट कर रही है ना। बड़ा जो सर्जन होता है वो मंगल बनवाता है, किसी की भी बॉडी पे एक ऑपरेशंस करना, ये जो साहस चाहिए होता है, जो डेयरिंग चाहिए होती है। कुछ लोग, हम सब लोग तो कुछ लोग खून भी देखेंगे तो हम लोग उसे दिखा नहीं जाएगा, या तो हमारी आंखों में आंसू आ जाएंगे, या तो कुछ लोग तो बेहोशी हो जाएंगे, चक्कर ही आ जाएगा। क्यों? हम लोगों में वो, हम सब में उतना वो एक साहस भी होना चाहिए कि अगर एक किसी का ऑपरेशन करना है, किसी को ठीक करना है, बड़े बड़े हार्ट सर्जन है, बाईपास करने वाले सर्जन है, तो जो साहस देता है वो मंगल देता है। तो मूंगा रत्न आपको वहाँ पर भी बहुत फ़ायदा देता है। आप में साहस नहीं होगा तो अच्छे एक सर्जन कैसे बनोगे? रोज़ के आपको जो बड़े बड़े हार्ट सर्जन से रोज़ के उनके पास हार्ट की ऑपरेशन होती हैं, सोच के देखिए। रोज़ किसी की लाइफ बचाना, वहाँ पे एक गलती अगर उनसे हो गई तो वो कोई ऑफिस का काम नहीं कर रहे कि चलो नया पेपर ले लेंगे, पेपर में गलती हो गई चलो इरेज कर देंगे, कंप्यूटर में कुछ डिलीट कर देंगे। ये इंसान की लाइफ का सवाल होता है। तो समझिए, एक एक रत्न आपको, इसलिए आप बड़े बड़े सर्जन्स, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, जो भी आप देखोगे पॉलिटिशियंस, इसलिए उनके हाथ में आपको रत्न दिखते हैं, क्योंकि उनके जो अच्छे बेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, उनके जो फैमिली के,
जो उन जिनको वो लोग सालों से मानते हैं, उनका खानदानी एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं कई लोगों के, तो वो उनको ये सलाह देता है अपने ज्ञान से। इसके लिए वो लोग भी पहनते हैं, वो लोग कोई शौक से नहीं पहनते कि पेपर में पढ़ लिया, ऑनलाइन पढ़ लिया, चलो दुकान से खरीद के पहन लेते, ऐसा नहीं होता है। अपनी कुंडली दिखा के पहना जाता है। बुध के रत्न की बात करते हैं, बुध का जो रत्न होता है पन्ना, एक स्टूडेंट के लिए इससे बेहतर स्टोन नहीं हो सकता। दिमाग का रत्न है पन्ना, बिजनेसमैन के लिए इससे बेहतर रत्न नहीं हो सकता। बिना कुंडली दिखाए लेकिन आप नहीं पहन सकते। आप भी बिजनेसमैन हो, हजारों लोग बिजनेसमैन हैं, तो कोई पन्ना उठा के पहन ले, नहीं पहनना है आपको। अपनी कुंडली दिखानी है अच्छे एस्ट्रोलॉजर को, और अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाना है। वहाँ पे बचत करने जाओगे तो वैसी सलाह मिलेगी, क्योंकि जो जानकार होगा, जो प्रॉपर नॉलेजेबल होगा, उससे सलाह लो। ठीक है, तो आपको बिजनेस में जो कर रहे हो काम, कोई स्टूडेंट है कोई हायर लेवल पे, बड़े बड़े स्टडीज़ के प्रिपरेशन कर रहे हो, सीए का कर रहा है कोई, कोई बड़ा बड़ा यूपीएससी का कर रहा है, आईएएस का कर रहा है, आईपीएस का कर रहा है, बड़े बड़े आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सब बच्चे उसमें सक्सेस नहीं होते हैं। कुछ लोग थोड़े से के लिए रह जाते हैं, तो जो थोड़ा सा होता है ना, वो ये रत्न आपका बढ़ देता है। अब समझो कोई किसी को तो अभी बहुत ही कम आ रहा है, कोई 25-30% भी नहीं ला पा रहा है, तो उसको रत्न पहना देने से वो 70% नहीं लाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकली समझना होगा, अंधविश्वास पे नहीं चलना है हमको, इन चीज़ों को साइंटिफिकली समझना है। आप अगर रत्न पहन रहे हो तो जो थोड़े से के लिए, जो लोगों का नसीब से जो बाधा आ रही है, उसको दूर करके वो आपको पुशअप देके, आपको जो 99 पे जो आप बार बार आउट हो रहे हो, तो आपकी सेंचुरी जो नहीं लग रही है, तो ये सेंचुरी लगाने में रत्न मदद करते हैं। पन्ना रत्न बहुत बेस्ट होता है बिजनेस के लिए, नौकरी में प्रमोशन के लिए, ठीक है, लेकिन आपकी कुंडली से दिखाओ आप। इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं, स्किन डिजीज़ होता है उसमें फ़ायदा होता है, जिन लोगों का दिमाग का काम होता है उन लोगों को फ़ायदा होता है, जैसे जो एक चेस प्लेयर होता है, एक वकील होता है, ये सब लोगों का दिमाग का काम होता है, एक एस्ट्रोलॉजर जो होता है, एक फैशन डिज़ाइनर जो होता है, एक क्रिएटिव, कोई भी चीज़ से आप क्रिएटिव हो, एक एक डांस का जो कोरियोग्राफर है, उसको भी बुध की ज़रूरत पड़ेगी, उसको हमेशा कुछ नया क्रिएट करना है, तो ही वो ये सर्वाइव कर पाएगा इतने कंपटीशन में। तो ये जो टैलेंट है, जो क्रिएटिविटी है, ये सब बुध में आता है। किसी भी तरीके से आप क्रिएटिव हो, एक डिज़ाइनर ही क्यों ना, डीटीपी के छोटे से, तब भी समझ जाओ वहाँ पे भी बुध आपको मदद कर रहा है। तो जहाँ भी दिमाग का काम इस तरीके से लग रहा है, वहाँ पे बुध का रत्न आपको फ़ायदा करेगा। लेकिन जैसा रिपीट कर रहा हूँ बार बार, हर बार कुंडली दिखा कर ही पहना जाता है रत्न, अपने लाइन से अपने साथ जोड़कर आप जबरदस्ती रत्न नहीं पहन सकते कभी भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं गुरु के पुखराज की। गुरु का जो रत्न है पुखराज, ये बहुत अच्छा होता है एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए, संतान होने के लिए, शादी के लिए, इसके बहुत सारे फायदे हैं। संपत्ति बनाने के लिए, प्रॉपर्टी नहीं बन रही है उनके लिए, मान सम्मान के लिए, प्रमोशन के लिए, उच्च पद के लिए, पॉलिटिक्स में, पॉलिटिशियंस के लिए, हर तरीके से। तो ये रत्न के भी बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन कुंडली दिखाकर पहनना है। गुरु के जैसा बहुत नसीब वाले लोगों को भी मिलता है गुरु जैसा रत्न, देवताओं के भी गुरु है वो, उनका रत्न मिलेगा तो सोचिए, ऐसा इंसान बहुत नॉलेजेबल होता है, ज्ञानी होता है, लोग उसकी इज्जत करते हैं, तो सोचिए इंसान को लाइफ में और क्या चाहिए। तो ये जो गुरु होता है, संपत्ति देता है, संतान देता है, अच्छी लाइफ देता है, तो गुरु का रत्न आपको अनेक प्रकार से लाभ देता है। और इनकी से संबंधित कुछ बीमारियां होती है, मोटापा है, तो वो सब पहले कुंडली से आपको देखना होगा, तभी सलाह मिलेगी, तो ही वो बचा पाएगा। गलत जगह पे आप स्टोन पहनोगे तो आपको फ़ायदे की जगह नुकसान भी कर सकता है, इतने इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं शुक्र के रत्न की। शादी नहीं हो रही है, स्पेशली लड़कों की, जेंट्स की, पैसे की प्रॉब्लम है, बहुत मेहनत करते हो, पैसा नहीं आता है। शुक्र लक्ष्मी का स्टोन है, शुक्र पैसे की बारिश करवाता है, लेकिन एक चीज़ समझो, शुक्र पहन लिया तो पैसे की बारिश नहीं हो जाएगी, है ना, पहनते ही कि 2-4 महीने में करोड़पति नहीं बन जाओगे आप। ऐसे लोग भी कुछ खाली सेल्समैनशिप में बोल देते हैं, बोलने का ये तात्पर्य होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, हम 5-10 साल दे देते हैं फिर भी कुछ नहीं होता है, पर जब शुक्र कमज़ोर होता है तब ऐसा होता है, तब रत्न देकर उसे बल दिया जाए तो वही 5-10 साल में अब कहाँ से कहाँ निकल जाते हो, इसका तात्पर्य ये होता है। शादी नहीं हो रही होती, स्त्री का सुख शुक्र लाता है, शादी होती है, संतान उत्पत्ति में शुक्र का रोल होता है, शुक्राणु की हम जो बात करते हैं वो शुक्र से संबंधित होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो शक्ति होती है पौरुषत्व की, जो संतान उत्पन्न करने की, ये सब चीज़ें शुक्र देता है, तो संतान उत्पत्ति भी शुक्र से होती है, पैसा शुक्र से आता है, ऐश्वर्य लग्जरी, जो 50,000 का कोई मोबाइल वापर रहा है, 1,00,000 रुपए का मोबाइल वापर रहा है, कोई 50 लाख की गाड़ी में घूम रहा है, कोई 5 करोड़ 50 करोड़ के घर में रह रहा है, तो ये सब जो लग्जरीज है ये शुक्र देता है, ये हमेशा याद रखो। तो लग्जरीज लाइफ में शुक्र देता है, कुंडली में कम ऐसे ही नहीं पहन लेना है। वापस रिपीट करता हूँ, कुंडली दिखाना है, कुंडली में अगर आता है अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाओ, उसमें अगर आता है तो पहनो, तो ये आपको अनेक प्रकार से इस तरीके से फ़ायदा देगा। मैं बोल रहा हूँ इसलिए मत मानो, हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने माना है, ग्रंथ देख लो, रिसर्च करो, अगर वहाँ पे भी आपको लगे कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ वो कनेक्ट हो रहा है तो मानना, नहीं तो मत मानना। ठीक है, मान लेना कि कुछ भी आके बकवास करके चला गया था मैं यहाँ पे यूट्यूब पे। कई लोग ऐसे हैं जिन लोगों को नॉलेज नहीं है, तो वो लोग कई बार कुछ चीज़ों को नहीं मानते, ऐसे बहुत नेगेटिव लोग होते हैं, तो खुद रिसर्च करो, पढ़े लिखे लोग हैं आजकल हमारे सब जो नई जनरेशन है, साइंटिफिकली रिसर्च करो। ठीक है, उससे पहले किसी को गलत मत बोलो। अब हम बात करते हैं शनिदेव की, नीलम की। शनिदेव जो है नौकरी के कारक है, बड़े से बड़ी नौकरी और जो बड़े से बड़ा प्रमुख पद होता है, चाहे वो एक नेता ही क्यों ना हो, वो भी शनिदेव देते हैं। तो शनिदेव का रत्न नीलम पहनने से आपकी ज़िंदगी में भाग्योदय होता है और हर तरीके से आपकी बरकत होती है।
आपको अगर नीलम, तो ऐसा कहा जाता है सूट कर गया तो उसकी तो ज़िंदगी का बेड़ा पार कर देता है, लेकिन नीलम हर किसी को सूट नहीं होता है। पहले 2-3 दिन आपको नीले कपड़े में, ब्लू कलर के कपड़े में बांध के अपनी भुजा पे यानी कि अपने हाथ पे आपको बांध के देख के रखना चाहिए। वहाँ भी नहीं देखो तो भी चलेगा, तकिए के नीचे 3 दिन अपने पास रख के सो तो भी आपको पता चलेगा। कोई बुरे सपने ऐसा कुछ अगर आपको नेगेटिव वाइब्रेशन मिलते तो ही आपको सूट नहीं कर रहा है, नहीं तो वो सूट करता है तो आपको लाइफ के कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, आपको प्रोग्रेस मिलेगी, आपको पैसा बढ़ेगा क्योंकि नौकरी का कार्य है, प्रमोशंस मिलेंगे, धंधा कर रहे हो या कई कई बड़े पद प्राप्ति में काम कर रहे हो, पद बढ़ेगा तो पैसा तो बढ़ना ही है, नौकरी कर रहे हो प्रमोशन होगा तो भी पैसा बढ़ना है, नौकरी में प्रॉब्लम्स आ रही है, जिस तरीके से अनेक प्रकार के जो कष्ट संघर्ष होते हैं, हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं, ये सब सॉल्व होते हैं शनिदेव के पॉजिटिव होने से। लेकिन हर कोई नहीं पहन सकता है, पहले अपनी कुंडली जरूर दिखाना, शनिदेव का स्टोन तो ऐसे ही जरा भी नहीं पहनना, रिस्की हो जाएगा। अब हम बात करते हैं राहुदेव के रत्न की यानी कि गोमेद की। जब आप गोमेद की बात करते हैं तो पहले तो हर किसी को नहीं पहनाया जाता है, जैसा कि मैंने कहा ये राहुदेव का रत्न है जो कि राक्षस है, ठीक है, तो हर किसी को नहीं पहनाया जाता है। कुछ लोग कहीं भी पहनने की सलाह दे देते हैं, हमारे पास ऐसे कई लोग आते हैं तो हमको भी ताज्जुब होता है कि बहुत गलत सिचुएशंस में कहीं भी उल्टा सीधा देख के भी पहना देते हैं कि राहु पहन लो राहु पहन लो, कहीं भी नहीं पहना जाता है। सब थोड़े कम कम लोगों को ही हम पहनाते हैं जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होता है, तो राहु कलयुग का राजा ग्रह है। अब इसके फ़ायदे तो ऐसे होंगे, इंसान को जो अनाप शनाप जो इनकम होती है, जो इंसान को लाखों करोड़ों में जो इंसान कमा लेते हैं प्रॉपर्टी में, पैसे में, किसी भी चीज़ में, तो राहु देता है। तो इस तरीके की जो बड़ी इनकम्स होती है, चाहे वो भले 2 नंबर के किसी भी तरह के काम से क्यों ना हो, तो वो भी राहु ही देता है। कलयुग में कलयुग का राजा है राहु ग्रह, पावर देता है, पैसा देता है, सत्ता देता है, भले वो पॉलिटिक्स हो, भले वो बिजनेस में स्टारडम, भले वो बिजनेस का ही क्यों ना किंग हो, भले वो सेलिब्रिटीज़ में किंग हो, पैसा, सत्ता, पावर, ये सब चीज़ राहु देता है, सक्सेस देता है। लोगों का लीडरशिप मिलता है, लोग दबते हैं, लोग डरते हैं, लोग झुकते हैं, क्योंकि पावर इतना देता है राहु। लेकिन हर कोई नहीं पहन सकता है राहु का स्टोन, तो आपको कुंडली दिखाकर ही पहनना चाहिए, नहीं तो आपको फायदे के जगह पे राहु नुकसान भी देकर आपको बहुत नुकसान भी दे सकता है, इसलिए रत्नों को ऐसे ही नहीं पहनना है। अब हम बात करते हैं केतु के स्टोन की, कैत्साई की। कैत्साई भी लोग कहीं भी पहना देते हैं कुंडली में, बिना देखे नहीं पहनाना चाहिए, डेंजर में राहु भी केतु भी राहु से कम नहीं है, क्योंकि जब केतु खराब होता है तो डाइवोर्स भी देता है। सातवें घर में जब केतु आता है अशुभ होकर तो डाइवोर्स दे देता है सातवें आठवें घरों में। विच्छेद का कारक ग्रह है, दूरी कराने बनाने वाला ग्रह है, और अच्छे में ये मोक्ष का भी कारक ग्रह है केतु, लेकिन आपको देखना होगा वो कहाँ बैठा है, वो आपको क्या दे रहा है, ठीक है। सिर्फ एक ग्रह खराब ही नहीं होता, उसमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं, केतु मोक्ष का भी कारक है, लेकिन हम सब लोग अभी मोक्ष का काम नहीं कर रहे जाने के लिए, हम लोग संसार में हैं, हम साधु नहीं हैं, तो और वो कुंडली में किस प्लेसमेंट में है। बेवजह हम अगर डायरेक्ट पहनने जाएंगे तो कई बार प्लैनेट्स के स्टोन्स हमको नुकसान भी करते हैं। कई लोगों को हम रियलाइज़ करवाते हैं तब उनको पता चलता है, लोगों को सालों से पता नहीं चला होता है, 2-2, 4-4 साल से हम बताते हैं कि ये पहन के आपको सूट नहीं किया है, तब वो डीप में जाते, वो एक ट्रस्ट से पहन के चल रहे होते हैं। प्रॉपर कुंडली दिखाओ, प्रॉपर स्टोन्स पहनो, दो रत्न भी एक साथ नहीं पहने जाते विरोधी, उस पर हमारे पुराने हेल्प एस्ट्रो पे काफ़ी सारे वीडियोस बने हुए हैं हमारे चैनल पे, इतने नॉलेजेबल वीडियोस, अगर आप खाली वो देख लो जो 500 वीडियोस है ऑलरेडी, तो आपको इतना इतना सारा नॉलेज आ जाएगा, आधे एस्ट्रोलॉजर तो वो वीडियोस देखकर ऐसे ही बन जाओगे। तो चलिए, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, आगे ऐसे इंटरेस्टिंग ज्योतिष की वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। ओरिजिनल स्टोन्स हमारी वेबसाइट पर भी आपको मिल जाते हैं। चलिए, धन्यवाद।